तो भाई एक बात तो पक्की हो गई कि वाइट वॉश होने से टीम इंडिया बच गई, और उन लोगों को अब कल पता चलेगा जो स्पेशली रोहित शर्मा को लेकर काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये वो टीम है जो अभी कुछ ही महीनों पहले वर्ल्ड कप जीत के आई है। व्हाइट वॉश होगा तो घंटे के इंडिया इस टाइम इस टेस्ट मैच में उतना ही आगे है जितना उनको आगे होना चाहिए था। यह टेस्ट मैच पूरी तरह इंडिया की गिरफ्त में है। कल अगर इंडिया 86 for 4 था और मैं और आप इस टाइम इधर खड़े होकर ये बात कर रहे थे कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत पे मैच है, तो बेटा उन्होंने करके दिखाया। आज शुभमन गिल ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है, ऋषभ पंत ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है, था न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश करना है इंडिया को, और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाती, बट इसको कुछ देर के लिए टाल दिया है शुभमन गिल की जबरदस्त किस्म की 9 रन्स की बारी ने। यार 86 पे 4 थे भाई जब दिन की शुरुआत हुई। ऋषभ पंत आया हुआ था, शुभमन गिल आए हुए थे, वहां से जो इन लोगों ने इंटेंट दिखाया है, जो करेक्टर दिखाया है ना, मैं कहता हूँ मजा आ गया यार। फाइनली कह सकते हैं कि इंडियन टीम के भी अच्छे दिन वापस आ गए। पिछले 15 दिन से एकदम से इंडियन क्रिकेट को पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन दोबारा से बड़ी जल्दी इन्होंने कमबैक किया है। इन 15 दिन के अंदर क्या क्या हुआ आपको बता देते हैं। वुमेन्स की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं की, मेंस की टीम पहला टेस्ट मैच हारी बड़े अरसे के बाद। लेकिन भाई एक सीरीज को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना पागलपन पे उतर आते हैं कि रोहित शर्मा को भाई देखे टीम के अंदर तो किसी ने भी परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन दुश्मन रोहित शर्मा के इतने भरे पड़े हैं कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता। क्योंकि भाई ये सिर्फ टीम इंडिया के नहीं, ये पूरी दुनिया का ये उसूल है, क्रिकेट फैंस का ये उसूल है, क्योंकि क्रिकेट जो देखने वाले लोग हैं उन्होंने ये उसूल बनाया हुआ है कि अगर ओपनर कुछ करके नहीं देते तो बस यार पूरी टीम जो है इसने खराब कर दी, इसी ने ही हराया है, ये किया है वो किया है। लेकिन स्ट्रांग कमबैक होगा कल रोहित शर्मा का, और ये टेस्ट मैच जो है ये जरूर हिंदुस्तान जीतेगा। व्हाइट वॉश से तो बच गए, आज जो है अश्विन ने और रविंद्र जडेजा ने जो है आज बचा लिया। भाई सच बोलूं बहुत बढ़िया बॉलिंग की है, और भाई वाशिंगटन सुंदर ने, अश्विन ने 3 विकेटें ली है, जडेजा ने 4 विकेटें ली है। वाशिंगटन सुंदर लग रहा था कि आज जो है वाशिंगटन सुंदर भी जो है चलो जो भी है अच्छा था, जो भी था उसकी 1 विकेट है, अर्शदीप सिंह की 1 विकेट आई। सिराज को बॉल ही नहीं दी भाई, सिर्फ फील्डिंग करवा रहे, उसको बॉल ही नहीं मिली, उसने 1 ओवर तक नहीं डाला। तो यार अगर उससे बॉलिंग नहीं करवानी तो फिर अक्षर पटेल को ले लेते, अक्षर पटेल आ जाता तो मेरे को नहीं लगता कि यार इतना लंबा ये मैच जाता। आज ही जो है आधा फैसला लग तो अभी भी रहा है कि जो है इंडिया जीतेगा ये तीसरा टेस्ट मैच सीरीज, भले न्यूजीलैंड जीत गई हो। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया पूरी जिंदगी जीतता रहे, T20 भी जीतता रहे, टेस्ट भी जीतता रहे, वनडे भी जीतता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सामने वाली टीमें भी जो है कोशिश करती है, तो भाई वो न्यूजीलैंड स्ट्रांग टीम बन गई, उन्होंने अच्छा टेस्ट मैच खेला, लेकिन साथ साथ में इंडिया की टीम में थोड़ा बैटिंग में जो है परफॉर्मेंस सही नहीं रही। इस तरह टीम इंडिया को वो एक ऐसे टोटल पे ले गए थे कि इंडियन टीम लीड ले गई थी उधर से न्यूजीलैंड पे। तो भाई वो करके दिखाया है ना मेरे घंटे, निकलना बाहर सोनू पीली चप्पल बाहर निकलना। अब देख बेटा इंडिया व्हाइट वॉश तो नहीं हुआ, देखो व्हाइट वॉश तो होना भी नहीं था, इतनी तो यला मची भी नहीं हुई। तो व्हाइट वॉश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा। देखो मैं और आप ये मिलके बातें कर रहे थे कि ये टेस्ट मैच हमें तो लग रहा है कि 4 दिन में खत्म होता, लेकिन भाई ये तो तीसरे दिन में क्रैम्प प्रैम्प हो जाएगा, तीसरे में और चौथे में पोयू ये हो जाएगा, बेटा ये खत्म हो जाएगा 3 दिन में, तो ये 110% खत्म हो जाएगा। मैच को बड़ा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, बताता हूँ मैं आपको किसका घंटा बजाना है मैंने आज। बेटा मैंने बड़ों को पकड़ा हुआ है, यकीन करो जितना मैंने बड़ों को पकड़ा हुआ है ये 2 टेस्ट मैचेस में जिन्होंने जिन्होंने आके तमाशबिनियां की है ना, और तीसरे में भी कुछ लोग कह रहे थे कि बेटा व्हाइट वॉश हो रहा है हो रहा है हो रहा है, इनको मैं सब बजाऊंगा पकड़ के, इनकी आत्मा रोल दूंगा मैं पकड़ के। लेकिन सबसे पहले अगर आज की बात की जाए तो जब मैच शुरू हुआ है तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग खेल के गया। गिल मतलब गिल के 3 90s हैं, एक वो ऑस्ट्रेलिया में, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट है इसका, और एक ये वाला, और कभी 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 90 100 से बेहतर होते हैं। ये आज 90 उसकी प्राइम एग्जाम्पल है, 91 वो गाबा वाला वो 100 से बेहतर था, वो 100 से ज्यादा एक्सपेंसिव था।
डाल दो, वो सारा रिस्क ही था। न्यूजीलैंड ने डोली कैचेस भी छोड़े हाथ में से ही, सुमन गिल का भी छोड़ा, ऋषभ पंत का भी छोड़ा, बट ये पार्ट ऑफ गेम है भाई, यहाँ अच्छे कैचेस लिए भी जाते हैं और आसान कैचेस छोड़े भी जाते हैं। और दोनों ने इस गेम में माहौल बनाया यार, बिल्कुल चांस नहीं थे। मैंने जैसा बोला ना इंटरव्यू में कि भाई इंडिया ने वाइट वॉश होना लिख चुका था, ऐसा लग रहा था कि भाई आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, जायसवाल को आउट कर दिया, तो फिर पीछे से मतलब और कौन फाइट दिखाएगा। बट इन दो लड़कों ने, मैं कहता हूँ, आज आते ही ना जिस तरह से यूटिलाइज की अपनी स्किल्स ना, और जो एग्जीक्यूशन दिखाई, मजा आ गया। मतलब अपनी नेचुरल गेम खेली, अपनी शॉट्स खेली, न्यूजीलैंड को जिस तरह से बैकफुट पे लेके आए, उस तरह से ये इंडिया मैच में वापस हुआ है भाई। ये जो अभी तक आपको लग रहा है ना कि टीम इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, ये इन दोनों के सर पे इस चीज का सेहरा जाता है, और इन दोनों ने तो अच्छा किया ही किया। नीचे जो सुंदर ने आके बारी खेली, आप देखो ये डोमेस्टिक का कमाल है, ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन जडेजा, ये बाकी जितनी पार्टियां भी इंडिया की डोमेस्टिक नहीं खेलती ना, तो वाजे इनसे फिर रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली जाती। सरफराज डोमेस्टिक का प्रोडक्ट 150 मारा, अभी जायसवाल ने थोड़े से रन्स किए तो वो डोमेस्टिक की वजह से किए, बाकी सुंदर ने अभी ये जो कैमियो खेला है 30 रन्स का, ये डोमेस्टिक की वजह से खेला है। तो भाई डोमेस्टिक को इज्जत दोगे तो इंटरनेशनल में आपकी इज्जत होगी, चाहे आप विराट कोहली हो, चाहे आप बाबर आजम हो, चाहे दुनिया के तीसमार हान हो या नहीं तीसमार हान, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट रेड बॉल के लिए खेलनी पड़ती है शेप में रहने के लिए, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। और वही हमें दिखा यार, कमाल की फाइट दिखाई सुंदर ने बैटिंग के साथ भी यार। लेकिन एकदम से कहते हैं ना, अच्छी टीम की निशानी ये होती है कि बड़ी जल्दी रिकवर करती होती है, तो इंडियन टीम ने बड़ी जल्दी रिकवर किया और फाइनली आज मैं कह सकता हूं कि इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है और न्यूजीलैंड की टीम को आउट प्ले करके रख दिया हुआ है। हाँ, अगर यही न्यूजीलैंड की टीम का कोई एक भी बल्लेबाज खेल रहा होता और अगर ये 200 के करीब चला जाता टारगेट, फिर आसान ही होना था, फिर बहुत मुश्किल होना था। लेकिन अभी क्योंकि अगर बहुत भी कल आके उन्होंने अच्छा खेल लिया, एक विकेट उनकी पड़ी है, तो मसा मसा 150 का टारगेट दे दोगे, 160 का दे दोगे, वो इंडिया चेस कर सकती है, आराम से चेस कर सकती है। उनके जितने मर्जी बल्लेबाज आउट हो जाए, उनके और बैटिंग बड़ी लंबी है, उनके बॉलर बड़े शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बॉल है वो बहुत ब्रेक हो रहा है, एजाज पटेल को अगर एक जगह उसकी सेट होगी वो खेलना उसका उसे मुश्किल करवा देना है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि रो रो के भी भारत अगर खेलेगा तो चेस कर जाएगा, लेकिन कल बड़े आराम से लोग चेस करके चले जाएंगे, आउट क्लास परफॉर्मेंस करके दिखाई है। स्पेशली बात करूं तो शुभमन गिल की, गिल ने जिस तरीके से 90 मारे, 45 पे सा कैच छूटा लेकिन बड़ी शानदार उसने सका था, उसके बाद परफॉर्मेंस करके दिखाई। ऋषभ पंत था रियल डिफरेंस, जिसने सुबह आया उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहे थे, 36 बॉलों में 50 मारा, 60 करके आउट हुए, एकदम से मोमेंटम पूरा इंडिया की तरफ शिफ्ट किया। न्यूजीलैंड ने भी विकेट लेते रहे, एंड में वाशिंगटन सुंदर ने जो 37 रन मार के लीड चढ़ा दी। ऊपर हर बंदे का अपना रोल है। फिर अगर बात की जाए, काशदीप का टॉम लैथम को आउट करना पहले ओवर के अंदर, उसके बाद जिस तरीके से सुंदर आए, सुंदर ने कॉनवे को आउट किया, रचिन रविंद्रा फिर आउट हुए, फिर जडेजा का जादू चला, फिर अश्विन का जादू चला और इन्होंने तबाही मचा के रख दिया। देखिए वलीद भाई, जितनी मुश्किल विकेट बनी हुई है ना इस टाइम फास्ट बॉलिंग के हवाले से नहीं, रैंक के अंदर जितना मुश्किल उन्होंने बनाया हुआ है कि एजाज पटेल का बॉल इतना मूव हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और जडेजा का बॉल इतना ब्रेक हो रहा है। हाँ, मिचेल स्टार्नर के ना होने से इंडिया को इस मैच में बहुत फायदा हुआ है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि थोड़ी जो कमी पेशी है ना न्यूजीलैंड की जानिब से, वो इंडिया ने भरपूर उसका फायदा उठाया और बड़े अच्छे रन पे, क्योंकि देखिए ना, अब 150 पे अगर हद होगी कि एक विकेट रहेगी उनकी और 150 की लीड चलती है और 150 का टारगेट। अब अगर सिराज को सिर्फ फील्डिंग के लिए रखना है तो फिर यार अक्षर पटेल से करवा लेते, उसको ले लेते इसकी जगह, चलो कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन कल जो रोहित शर्मा कम बैक करेंगे, उन सब लोगों के मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा जो रोहित शर्मा को लेके मीडिया पे उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक उतर आए कि यार अब इनको निकलना चाहिए, निकालो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को निकालो। समझ में नहीं आता, जब T20 वर्ल्ड कप जिताया, जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया कि भाई अब हम जो है T20 नहीं खेलेंगे, और विराट कोहली रोहित शर्मा, तब यही लोग रो रहे थे यार अब तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड कप जिताया था ना यार अब तो मजा नहीं आएगा, अब कैसे खेलेंगे, ये होगा वो होगा। अब जब यहाँ पे एक सीरीज हारे टेस्ट मैच में, अब बोलते हैं इनको यहाँ से भी निकालो। एक ना एक जवान के लोग हैं ये, और ना भाई एक दिमाग के लोग हैं, कभी क्या सोचते हैं तो कभी क्या सोचते हैं। तो ऐसे क्रिकेट फैंस से ना होना ही बेहतर है, और ऐसे क्रिकेट फैंस जो है
इनकी जरूरत भी नहीं होती क्रिकेट को, जो ऐसे लोगों की जरूरत, जो क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं ना, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होती। एनीवे ये बात तो कंफर्म है, एडवांस में बता रहा हूं कि वाइट वॉश है तो टीम बच गई, चलो शुक्र है। अब कल जो है सिर्फ रोहित शर्मा की पारी देखना, तुम लोग कुछ नहीं देखना, सिर्फ रोहित शर्मा की पारी देखना। और अगर कल रोहित शर्मा कमबैक नहीं करता तो फिर बोलना कि यार पठान तेरे को किसी चीज का नहीं पता, बेकार की वीडियो बनाता है तू, ये तो फिर कल ही पता चलेगा। लव यू ऑल दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। और ये 90 भी उसी लाइन में आता है, क्योंकि टीम इंडिया को जरूरत थी। अगर आज टीम इंडिया इससे काफी अच्छा कर सकती थी, मतलब जैसे आहर में सुंदर ने जिस तरह से रन आउट करवा दिया आकाशदीप को, अश्विन जडेजा का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहा बैटिंग में, हालांकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई कुछ ज़्यादा ना, कोई 20-25-30 तो बनाएंगे दोनों, बट वो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था। विराट कोहली रोहित शर्मा तो कल ही उड़ गए थे, तो यहाँ तक तो चलो फिर भी एक तरह से पॉजिटिव ही ले लेते हैं। इंडिया ने कम बैक कर दिया, अच्छा कर दिया, ऋषभ पंत ने अच्छा किया, शुभमन गिल ने अच्छा कर दिया, आपको एक पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया। अब वहाँ से जो बॉलिंग ने कारनामा किया है वो बड़ा मज़े का है यार। जडेजा की 4 विकेटें, अश्विन की 3 विकेटें, आकाशदीप और सुंदर की 1-1 विकेट ना इंडिया को 143 तक ले आई है। अब ये तो इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस है, बट इसमें मसला ये है कि अभी भी 1 विकेट बचती है। अगर वो कल आके 10-20 रन ही जोड़ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होकर सोचो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तान मीडिया को लग रहा है कि इंडिया 3-0 से हारेगा, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया 3-0 से हारेगा, बल्कि 2-0 से सीरीज़ में एक बढ़िया कमबैक करके दिखाएगा। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा चल रही है। पाकिस्तान मीडिया कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर बोल रहे थे कि इंडिया 3-0 से हारने वाले, और पाकिस्तान मीडिया खुश हो रहे थे। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्या इंडिया 3-0 से हारेगा या कमबैक करके स्ट्रांग बन के यहाँ पर आने वाले सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा उसमें बढ़िया माइंडसेट के साथ खेलेगी? तो आपको कमेंट करके बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।